नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 12 अप्रैल 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने का है। आज का दिन अपनी परिस्थितियों को अपने फेवर में लाने का है। आज का दिन उन सभी एस्पेक्ट्स को, सिचुएशंस को, अवस्थाओं को, कंडीशंस को अपने आप से दूर करने का है जो आपको डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड या आपके कॉन्फिडेंस में कमी लेकर आती हैं। कुल मिला के आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है अगर आप सोचे समझे ढंग से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं, अपने मन को प्रबल रखें, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखें और आगे की तरफ अग्रसर हों। आज के दिन आप अपने मेंटोर्स का, गुरु का साथ, सानिध्य या उनकी कहीं ना कहीं आप अच्छी बातें ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आज के दिन दूर होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे पायदान पर, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था पर लाकर खड़ा कर देगा जहां पर आप रिफ्लेक्टिव मोड में चले जाएंगे, यानी कि आप अपनी सिचुएशन, अपनी अवस्थाओं को दोबारा उनका अवलोकन करने की सिचुएशन में रहेंगे। फिर जब आप उसका अवलोकन करेंगे तो आप अपने किए हुए कर्म या एफर्ट्स में कहीं ना कहीं गैप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप उस गैप को आइडेंटिफाई कर अपनी गलती को समझ कर वहां पर अपना थोड़ा सा एफर्ट और डाल दें तो जो स्टेप्स, जो परिस्थितियां आप फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के दायरे में सोच रहे हैं वो आज के दिन मैनिफेस्ट होती हुई शुरू हो जाएंगी या आपके पास बेहतर अवसर आने लगेंगे। मसलन अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं और वहां पर आपको लगता है आपके एफर्ट्स कम हैं तो परिस्थितियों को अपने हिसाब से आपको चैनलाइज करना चाहिए कि पॉजिटिविटी देखने को मिले। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपकी स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं बढ़ा सकता है, खास तौर पे अगर आपको बीपी रिलेटेड इशू है तो आज के दिन स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को ना बढ़ने दें, सोच समझ कर डॉक्टरी परामर्श समय समय पर लेते रहें। साथ ही साथ आज के दिन आपको कहीं ना कहीं मेंटली भी रिलैक्स्ड होने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को बनाने की या एक साथ एकत्रित करके या आगे ले जाने की आप कोशिश कर रहे हैं और ऐन मौके पर कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन, कोई अवस्था आपके लिए हुए इनिशिएटिव्स को नेगेटिविटी के दायरे में लेकर आती है तो आज के दिन आपको अपने एफर्ट्स को डबल कर देना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन आपको आगे की प्लानिंग प्रॉपर तरीके से या ढंग से करनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज को, टैक्टिक्स को सोच के समझ कर आपको लागू करने की ज़रूरत है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आज के दिन कर्क राशि वालों, आपकी ट्रैवलिंग कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकती है और उस ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं जब आप उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, कहीं आप ट्रैवल करेंगे, आर्थिक उन्नति के आपके कुछ ना कुछ संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज यानी कि एक काम करने के साथ साथ आप कुछ और भी अपना दायरा बढ़ा सकते हैं, कुछ और साथ में काम कर सकते हैं। अब ये काम आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर सकते हैं या सदस्य के साथ कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक छोटी सी ट्रैवलिंग आपके बिजनेस, जो व्यापक एक नेटवर्क है आपका, उसको स्ट्रांग करके जा सकती है, आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग करके जा सकती है। तो कुल मिला के आज के दिन आपको ओपन रहने की जरूरत है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनकी तरफ। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन सोच समझ कर, सोची समझी आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत निवेश करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी मत करिए और ख़ास तौर पे अगर आप वाहन खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो सोच के समझ के रिव्यू करके अपने फाइनेंशियल्स को देख कर, और अगर आप ऋण लेने की सोच रहे हैं तो उसकी EMIs कैसे जाएंगी उसका बैकअप प्लान पूर्णतः बनाकर फिर आगे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपको पारिवारिक स्ट्रेस थोड़ा सा हो सकता है तो वहां पर भी आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो कुल मिला के आज के दिन सोच समझकर निवेश पैटर्न को आप देखिए, साथ ही साथ पारिवारिक क्लेश से अपने आप को दूर रखिए और शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें जिससे इन द फर्स्ट प्लेस वो सिचुएशन अराइज ही ना हो। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन स्ट्रैटेजी बनाने का है, आज का दिन उसको एग्जीक्यूट करने का भी है। आज का दिन आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को लाइन अप करके चले। जो सिचुएशन, जो अवस्था आपको लगती है कि मुझे स्टडीज़ करनी है, अपने लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस लेने हैं, वहाँ पर चलते चलिए जिससे कि आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आगे लेकर जाए। साथ ही साथ आज के दिन आप ऐसे किसी व्यक्ति विशेष से सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे कोई पॉजिटिव राय ले सकते हैं जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएं। अब ये व्यक्ति विशेष आपके जीवन में आपका मेंटोर हो सकता है, गुरु हो सकता है, आपका कोई परिवार का वृद्धतम सदस्य हो सकता है जो आपको सही दिशा निर्देश में आगे लेकर जा पाए। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए।
तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिविटी को अपने साथ रखकर अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल करिए और अपने मनोबल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नया कामकाज जो आपने पिछले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर शुरू किया है वो कहीं ना कहीं गतिशील तरीके से बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ आज के दिन विस्तार के आपके पास कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। अगर आप सोच समझ कर परिस्थितियों को अपने फेवर में लेंगे, सिचुएशंस को अपने फेवर में करेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें या परिस्थितियाँ या अवस्थाएँ इतनी मुश्किल भी नहीं हैं जितना आपको 1.5-2 महीने पहले ये चीजें लग रही थी। साथ ही साथ आज के दिन बिजनेस एक्सपेंशन की भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हुई सामने आ सकती हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन आपको काफ़ी टायरिंग और टैक्सिंग खास तौर पे फर्स्ट हाफ के दौरान देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में स्थिरता रखने की ज़रूरत है क्योंकि बीच बीच में आपको ऑन एंड ऑफ या मूड स्विंग्स आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कंट्रोल्ड रहेंगे, अगर आप अपने जोन में रहेंगे, अपने बिहेवियरल पैटर्न को कंट्रोल करते हुए चलेंगे तो परिस्थितियां को आप सुधार सकते हैं। अगर आप किसी एक नेगेटिव अवस्था में आप रिएक्ट करेंगे तो आप उस ज्वलनशील उस जो एक ब्लास्ट हो रहा है उसको आप और एग्रीवेट करेंगे। यानी कि आज के दिन अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए आपको स्वतः अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ सामने वाले को भी सही मौके पर समझाने की ज़रूरत है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आप जीवन में किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, आज के दिन आपके साथ कौन खड़ा है, परिवार में आपके लिए कितना सपोर्ट है या किन किन लोगों का सपोर्ट है, या आप अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको भरपूर मौका मिलेगा कि आप सही तरह से परिस्थितियों का अवलोकन कर पाएं। साथ ही साथ आज के दिन आपको एक बड़ा ड्रास्टिक फैसला भी ले सकते हैं जो परिवार के हितों के लिए होगा। अगर आप उस फैसले को लेते हैं तो आपकी परिस्थिति और बेटर होगी। अभी नए घर में मूव करने का हो सकता है, नई प्रॉपर्टी खरीदने का हो सकता है, नए वाहन खरीदने का हो सकता है, कुछ भी जो आप परिवार से संबंधित पूरे परिवार की बेहतरी के लिए या उनकी मर्ज़ी से कर रहे हैं वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आएगी। साथ ही साथ आज के दिन आत्मबल में भी वृद्धि होगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं इस बात पर मजबूर करेगा कि आप इस बात पर सोचें कि जीवन में अब आप इतने वर्षों तक आपकी जो प्लानिंग थी उसमें कितना आप सफल हुए हैं, कितने आपने अपने फाइनेंशियल्स इम्प्रूव किए हैं, कितने आपके रिश्ते अच्छे हुए हैं, कहाँ आप अपने जीवन में जाना चाहते हैं। ये सारी सिचुएशन, ये सारी अवस्थाएं, ये सारी परिस्थितियां आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगी, प्रेरित करेंगे कि आप आगे की तरफ बढ़ें। साथ ही साथ आज के दिन आप अपनी अवस्थाओं को कंट्रोल में करने के लिए कुछ शिक्षा, कुछ अध्ययन, कोई सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली भी आगे मूव करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को भी बढ़ाता हुआ जा सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनल ट्रैवल इंडिकेटेड है। ये ट्रैवलिंग आपके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करती हुई जाएगी और कहीं ना कहीं एक व्यापक दृष्टिकोण भी आपका डेवलप होगा। और ये भी हो सकता है कि इस ट्रैवलिंग के बाद आपको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन हो और आप जॉब चेंज करने के लिए भी सोचें। साथ ही साथ अगर आपका निजी व्यवसाय है तो आपको एक्सपेंशन के कुछ ना कुछ रास्ते मिलते हुए नजर आएंगे। कोई व्यक्ति विशेष सामने से आपको ऑफर देकर जा सकता है और अगर आप उनके हुए ऑफर को ग्रहण करेंगे या उसको समझेंगे, सोचेंगे, एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने दिनों से आप जिस धारा के साथ, जिस प्रवाह के साथ बढ़ रहे थे वहां पर कुछ ना कुछ गैप था। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इमीडिएटली अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वह आपकी परिस्थिति को बेटर करके जा सकती है। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कोई ना कोई अच्छी सिचुएशन, अच्छी अवस्था, प्रोफेशनल ग्रोथ के कहीं ना कहीं रास्ते लेकर आएगा। आपका कॉन्फिडेंट लेवल में इजाफा होता हुआ आएगा, आपका कार्य क्षेत्र में साख बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, आपके लिए कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति विशेष प्रयत्न करेगा आपकी आर्थिक उन्नति इंप्रूव करने के दायरे में और वो सफल भी प्रयास होंगे। साथ ही साथ प्रोत्साहन आपको अपने अपर बॉसेस से, उच्च अधिकारियों से भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सिचुएशन देखूं तो आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं। कुल मिलाकर आत्मबल का सहारा लीजिए, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को ग्रहण करिए और आगे बढ़ते चलिए जिससे कि आप अपनी परिस्थितियों में और ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देख सकें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।